व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू एल क्रिटिक। तो कृष्णा ने बिल्कुल सरप्राइज ड्रॉप कर दिया है। पहले इंस्टा पे की चाबी की इमोजी डाला और फिर आज रिलीज़ कर दिया है द की फ्री स्टाइल। और ये कृष्णा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आया है, 1 मिनट 30 सेकंड का है, तो देखते कैसा होने वाला है। और स्वाइप अप भी डाला था कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल का, तो देखते हैं बिना किसी देरी के कैसा होने वाला है। कृष्णा है तो बार्स तो होंगे ही और शॉर्ट्स भी ले ही जाएंगे क्योंकि कृष्णा लेता ही है ज़्यादातर। तो देखते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। और इस टाइम पर हम बार्स को ब्रेक डाउन करते हैं और अदर टेक्निकलिटीज़ में भी फोकस करते हैं, जैसे कि केडेंस, डिलीवरी, मेलोडीज वगैरह वगैरह। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर हो तो हम EPR की प्रोटेस्ट पोएट्री और साथ में मिस्टर नायर एल्बम रिव्यू कर रहे हैं, तो वो भी चेक कर लेना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सुनना। एंड ऑल कृष्णा फैन, यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ब्रो। तो 1 2 3 लेट्स गो। रुको, आवाज सुन लो भाई, म्यूजिक वीडियो भी है फ्री स्टाइल की। असलियत में हिप हॉप हम एक्ट नहीं करते, काफी बातें ये भरते गानों में परफेक्ट नहीं भरते, गालियां पकले जाके बेटा हम रिएक्ट नहीं करते। काफी रैपर थे मेरे साथ जो आज रैप नहीं करते, न जाने क्यों। काफ़ी रैपर थे मेरे साथ जो आज रैप नहीं करते, मतलब मैं काफ़ी पहले से कर रहा हूँ, शायद इसका यही मतलब होगा, काफ़ी पहले से कर रहा हूँ और लोगों ने क्विट कर दिया बाकी लोगों ने, लेकिन मैं लगा रहा और मैं ग्राइंड करते रहा, तो मैं करते आ रहा हूँ। और बोला कि गालियाँ बकते रहो या सबलिमिनल्स करते रहो, हम रिएक्ट नहीं करते। ओके के बेटा हम रिएक्ट नहीं करते, काफ़ी रैपर थे मेरे साथ जो आज रैप नहीं करते, न जाने क्यों। कर गए हमें स्टैब ऑन द बैक, किस तोपों की सलामी, कर गया मैं स्टैब ऑन द बैक। और बैक स्टैब पे वर्ड प्ले, स्टैब ऑन द बैक एंड बैक, बैक स्टैब पे वर्ड प्ले है ये पक्का। रैप नहीं करते न जाने क्यों, कर गए हमें स्टैब ऑन द बैक, कि किस तोपों की सलामी है, गो हैम ऑन द ट्रैक, इनने फुल टॉस पे मारी, मेरा हैंड ऑन द कैच, ये तो किस्मत का है खेल और मैं मैन ऑफ द मैच। क्रिकेट बार्स फुल टॉस, इन्होंने फुल टॉस पे मारी, फुल टॉस मतलब पूरी अपनी वो दी, और लेकिन मेरा हैंड ऑन द कैच और फिर ये मैं मैन ऑफ द मैच हूँ, मतलब इस गेम का मैं ही मेन प्लेयर हूँ, और मतलब मैंने ही जो करा है प्रॉवर से, और प्लस फुल टॉस पे मारी, फुल टॉस कैच, मैन ऑफ द मैच क्रिकेट बार्स। और ब्रो ब्रो बार्स, मेरा हैंड ऑन द कैच, ये तो किस, सो मेनी वर्ड प्लेस, मैं मैन ऑफ द मैच। गुना माफ था, चुना मैंने रास्ता, इनके लिए खास था मेरे लिए मजाक सा, खुदा से है राबता पर जिगर इनका कांपता, फिंगर ऑन द ट्रिगर, मैं तो फिगर भी ना नापता, अपने शहर में नंबर। राइम्स भी दे दी, फिगर ऑन द ट्रिगर पर मैं फिगर नहीं नापता। ओके बार्स, चुना मैंने रास्ता, इनके लिए खास था मेरे लिए मजाक सा, खुदा से है राबता पर जिगर इनका कांपता, फिंगर ऑन द ट्रिगर, मैं तो फिगर भी ना नापता, अपने शहर में। वीडियो में भी देखो वो कहते की डुप्लीकेट कॉपी बना रहा है, और बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो इग्नोर कर देना। पर जिगर इनका कांपता, फिंगर ऑन द ट्रिगर, मैं तो फिगर भी ना नापता, अपने शहर में नंबर एक, इसमें राय नहीं दो, निकालो गिलोटीन, यहां फ्रेंड्स बने फो, इसकी निकालो गिलोटीन या फ्रेंड्स बने फो। गिलोटीन इज अ मतलब एक मशीन टाइप है जो जिससे पहले के टाइम में यूज होती थी गला काटने के लिए, सीधे तुम्हारे कुछ पनिशमेंट टाइप थी तो गला काट दिया जाता था तुम्हारा, और फो मतलब होता है दुश्मन, तो फ्रेंड्स बने फो एंड निकालो गिलोटीन। और गिलोटीन की स्पेलिंग अलग लिखी है, मतलब ये कुछ और वर्ड प्ले भी हो सकता है, गिलोटीन में आई डोंट अंडरस्टैंड ब्रो। इसमें राय नहीं दो, दोहराई बोल रहा हूं, नंबर एक, इसमें राय नहीं दो, निकालो गिलोटीन, यहां फ्रेंड्स बने फो, इस गेम का सरपंच मैं, A6 हिट द फ्लोर, लोग काफी साथ पर किया आर्ट, गेम का सरपंच A6 हिट द फ्लोर, A6 आर द मतलब एक शूट्स की वेबसाइट है, तो मैं A6 हिट द फ्लोर, प्लस A6 कैन बी अ वर्ड प्ले ऑन समथिंग, क्या बोलते हैं उसे, एथिक्स, I don't know. को इग्नोर, गेम के साथ वेट लॉक, हर लाइन हेडशॉट, रैप में जब स्कोप नहीं था जाके लाया रेड डॉट, आई कुड ड्रॉप अ, गेम में जब स्कोप नहीं था लाके लाया रेड डॉट। ओके ओके, स्कोप बार्स की गेम में वैसे स्कोप नहीं था कि रैप के लिए ज्यादा कोई स्कोप नहीं था, तो मैं तब लाया रेड डॉट। ओके लॉक, हर लाइन हेडशॉट, रैप में जब स्कोप नहीं था जाके लाया रेड डॉट, आई कुड ड्रॉप अ बेस्ट ऑफ विद सॉन्ग्स फ्रॉम माय डेस्कटॉप, गाने चले मेरे तो करेंगे इनके हेड नॉट, वो गाने मेरे चलेंगे तो करेंगे इनके हेड नॉट, मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, बस हेड नॉट करते रह जाएंगे ब्रो, बहुत सारे लोग करते हैं यस, और मैंने भी बहुत सारे बार्स मिस करे हैं।
With songs from my desktop, gaane chale mere to karenge inke head nod. Boy, I'm on fire, kisko chahiye smoke? Ab ye rap man. Bro, boy, I'm on fire, kisko chahiye smoke? मतलब मैं बहुत fire में हूँ, मतलब मैं अपने मतलब best stage में, मतलब मैं grind में हूँ पूरी अपनी. और किसको चाहिए smoke? मतलब beef किसे चाहिए? और fire and smoke, जब fire होती है तो smoke निकलता है. Plus, bro, bars. Long जैसे Julius Coach. I'm on fire, kisko chahiye smoke? Ab ye rap money long जैसे Julius Coach. अब ये रैप मनी लॉन्ग जैसे जूलियस कोच. जूलियस कोच वॉज द वन ऑफ द टॉलेस्ट गाय इन द वर्ल्ड. तो वो कहते हैं जूलियस कोच टॉलेस्ट गाय था, उसको गिंगेटिज्म था, जो पढ़ा होगा सभी ने. Boy, I'm on fire, किसको चाहिए स्मोक? अब ये रैप मनी लॉन्ग जैसे जूलियस कोच. कुछ लाख की डील करके तू खुश है दोस्त, हमने डील करी पर हम करते नहीं कुछ डिस्क्लोज. ट्राई टू ट्रैप मी, देखते इनके जाल, मुझे 2004 में भी ट्राई टू ट्रैप में पर दिखते इनके जाल. ट्रैप एंड जाल मतलब हिंदी और इंग्लिश होता है, प्लस इनके जाल दिखते हैं, मतलब कि इनका सब दिखता है मेरे को कि ये कैसे प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं. तो मैं आई डोंट गेट ट्रैप नहीं कुछ डिस्क्लोज. ट्राई टू ट्रैप मी, दिखते इनके जाल, मुझे 2004 में भी आते ऐसे बार्स. मुझे गया नहीं कहीं क्योंकि इस कला से प्यार. मुझे गीत ने दी जीत जब जिंदगी ने हार. मुझे गीत ने दी जीत जब जिंदगी ने हार. ब्रो दैट डीप लाइन ब्रो. और 2004 में भी ऐसे बाहर आते थे, मतलब मैं ऐसा लिख सकता था, लेकिन और लेकिन लोग तब समझ नहीं रहे थे. ओके ब्रो, कीप ग्राइंडिंग. कला से प्यार, मुझे गीत ने दी जीत जब जिंदगी ने हार. मुझे हां मुझे सब दिखे क्लियर, दिल में ना फियर, हसल मेरी सिंसियर. हां हसल सिंसियर ग्राइंड. सब दिखे क्लियर, किया परसिवियर, इसलिए आई एम स्टिल हियर. फैक्ट्स ब्रो, फैक्ट्स. किया परसिवियर तभी आई एम स्टिल हियर. मतलब परसिवियर मतलब होता है कि डूइंग मतलब लगे रहना, ग्राइंड करते रहना. जो चीज मुश्किल होती है उस पर ग्राइंड करते रहना. तो मैंने करा परसिवियर तभी आई एम स्टिल देयर. फैक्ट्स ब्रो, यू कांट डिनाई ऑन दिस. मुझे सब दिखे क्लियर, किया परसिवियर, इसलिए आई एम स्टिल हियर. Still, okay, Still Here is his album name also, February 2021. Okay, excited. Background noise आ रही होगी तो ignore करना भाई, बहुत आ रही होगी. Okay, bars वाला गाना था पूरा, मतलब freestyle था, bars वाला freestyle. और मैंने बहुत सारे bars miss करूँगे और misinterpret भी करूँगे, तो जो वो करे हैं मैंने please comment में बता देना. और शॉर्ट्स लिए भाई ने, पता नहीं किस पे ले रहा था, आई डोंट नो. मैंने ख्याल से MUA पे ले रहा था, नहीं क्योंकि MUA पे ऐसे कोई डेडिकेटेड लाइन नहीं लगी, बस एक बैक स्टैब वाली लग गई थी, क्योंकि बाकी तो डील्स क्लोज MUA ने कुछ ऐसा डील्स क्लोज वगैरह करा था, मेरे को तो नहीं पता. और ये था मतलब मेरे को तो ज़्यादा शॉर्ट्स किस पे लिए आई डोंट नो, उतना मेरे को पता नहीं चला. तो ये था रिएक्शन. आपको रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर दो कि और कौन से गाने पर रिएक्शन चाहिए, कौन सी EP पर रिएक्शन चाहिए. और साथ में मिस्टर नायर और प्रोटेस्ट पोएट्री एल्बम रिव्यू चला तो वो जरूर चेक करना. और यहाँ पे इंस्टा पर फॉलो कर लेना. तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट.